घी रखा नहीं रखा सर में, जल्दी जाओ फिर रख के आओ यार, क्या कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार है घी संक्रांति, और दोस्तों इस दिन अपने सर में घी रखते हैं और शहरों में जो है पतंग उड़ाया जाता है। और दोस्तों घी अपने सर में इसलिए रखते हैं क्योंकि उस दिन जो है हमारे जो मन में जितने भी नेगेटिव थॉट होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। और दोस्तों जो घी संक्रांति है यह भाद्रपद एकादशी को मनाया जाता है, और इस दिन जो सूर्य देवता है वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों आज के दिन जो भूमिया देवता है उनके मंदिर में एकदम नए जो सब्जियां होती है, जो नए सब्जियां उगते हैं उन्हें चढ़ाया जाता है। दोस्तों ऐसी हमने भी अभी अपने मंदिर में जो है ओक चढ़ाया है। दोस्तों जिस मतलब जो नए सब्जियों को मंदिर में चढ़ाते हैं उसे ओक कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों ये देख सकते हैं अभी हमने मंदिर में जो है ओक चढ़ाया है, दोस्तों इसे काब कहते हैं पहाड़ी में। और दोस्तों अभी हम भूमिया देवता के मंदिर में भी चढ़ा के आते हैं, और उसके बाद ही हम जो है पकौड़ी जो पकवान बनाया है उसको खा सकते हैं। दोस्तों जो भी आप ये सब्जी देख पा रहे हैं यह है पिनाव की सब्जी, और दोस्तों इन्हीं में से जो है ये निकलते हैं, इन्हें कहते हैं काब। और दोस्तों इसी से ही पकौड़ी बनती है, काफ़ी स्वादिष्ट पकौड़ी बनती है और सब्जी बनती है, और इसे टपकी भी बनती है। दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट जो है इसे टपकी बनती है, और इसी को ही अभी हम मंदिर में चढ़ाने जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पकवान बन रहे हैं, अभी मम्मी पकौड़ी बना रही है, ये देख सकते हैं आप। ये भी पूरी मिर्ची की पकौड़ी है और पूरी मम्मी ने बना ली है, और इससे पहले हम भूमि देवता के मंदिर जाके आएंगे, उसके बाद खाएंगे। लेट्स जॉइन अस दोस्तों। तो दोस्तों आज के लोगों से इतना ही, और अभी हम आ रहे हैं भूमि देवता के मंदिर से, क्योंकि उधर साफ़ सफाई करी, भोग बनाया, फिर पंडित जी ने भूमि देवता को भोग लगाया, फिर हमने भी जो है जरा सी प्रसाद खाया, फिर उसके बाद हम भी जरा सी प्रसाद घर को ला रखे हैं। और आज के लोगों से इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।